मेरा दुर्दैव है क्योंकि मैं अपने माँ को देख नहीं सका, मेरे बहन को देख नहीं सका, मेरे भाई को देख नहीं सका, मेरे चाचा को देख नहीं सका, क्योंकि मेरा घर उस वक्त जल गया जिस वक्त वहां हैदराबाद लिबरेशन में ये दंगे चल रहे थे। उस दंगे में मेरा पूरा घर चले और मैं एक ही घर में बचा, मैं और मेरे पिताजी, वो दोनों बचे। मैं ये 1946 की बात कर रहा हूँ क्योंकि वहां पर 46, 47, 48 में दंगे हुए, तो सिर्फ हमारे पिताजी ने मुझे बचा के संरक्षण करके गांव-गांव लेके गए, फिर आखिरी में गुलबर्गा में हम आके बसे। तो मुझे तो मैं देखा नहीं मेरी बहन कैसी थी, मेरी माँ कैसी थी, लेकिन आप लोग बड़े खुश नसीब हो, आपके पास माँ है, आपके पास बहन है, आपके पास भाई है, आपके पास पिता है, सभी लोग हैं। लेकिन हमने वो जो आशीर्वाद से दूर हो गए, लेकिन लोगों ने आशीर्वाद दिया, कांग्रेस पार्टी ने मुझे बढ़ाया और सभी ने मुझे एक आशीर्वाद देकर, मैं स्टूडेंट यूनियन से लेकर खुद लड़ता था, अपने पैर पे जीतता था और मैं खुद अपने यूनियन बनाया, मैं लड़ता था। ये सब देखकर कांग्रेस पार्टी 69 में मुझे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बनाई और मैं कांग्रेस में शामिल हुआ। उसके उसूलों को देखकर, जो आइडियोलॉजी थी, जो इंदिरा गांधी ने बताया था, जो नेहरू जी ने बताया था, उस आइडियोलॉजी को पढ़ के देखकर मैं कदम रखा और वो कदम बढ़ते जा रहा है क्योंकि आप सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं।